भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 22वां दिन, राहुल गांधी के नेतृत्व में धनबाद से शुरू हुई यात्रा बोकारो होगी रवाना। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की नजर, पीएम मोदी आज धनबाद में भरेंगे हुंकार, रैली में हजारों लोग होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने झोंकी ताकत, ग्वालियर चंबल अंचल पर कांग्रेस की नजर, आज जाएंगे जीतू पटवारी, उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। राजस्थान के सीएम भजन लाल का पहला कोटा दौरा, आज देखने जाएंगे ईआरसीपी का पहला डैम, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के मंत्रियों की ट्रेनिंग, वर्किंग सिस्टम से तनाव दूर करने तक सिखाए जाएंगे कई गुरु। राजस्थान में कांग्रेस ने बुलाई बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा, उम्मीदवारों पर लगाएंगे दांव। केजरीवाल के बाद आज आतिशी के घर जाएगी दिल्ली पुलिस, विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों का मांगेगी सबूत। महागठबंधन टूटते ही संभावित प्रत्याशियों के टूटे सपने, विधानसभा बदलने की तैयारी में लगे नेताजी। ओबीसी आरक्षण पर अपने ही सरकार के खिलाफ उतरे छगन भुजबल, बोले नवंबर में ही दे दिया था मंत्री पद से इस्तीफा। भारत को एक के बाद लगा दूसरा झटका, रोहित के बाद यशस्वी लौटे पवेलियन। अफगानिस्तान में महिलाओं का जीवन बना नर्क, तालिबान की कैद में मिल रही यातनाएं, यूएन ने रिपोर्ट में जताई चिंता। लोगों से डरते हैं नवाज शरीफ, इसलिए धांधली की कोशिश कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो का पूर्व पीएम पर बड़ा हमला। रूस के कब्जे वाले शहर पर यूक्रेन ने की बमबारी, 20 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। इमरान खान के करीबी शाह महमूद कुरैशी 5 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, ईसीपी ने अयोग्य किया घोषित। अमेरिका और ब्रिटेन में यमन में हौती के 36 ठिकानों को बनाया निशाना, ईरान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ जारी है कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री ने जानी पीएलआई योजना की प्रगति, बोले देश को मैन्युफैक्चरिंग महाशक्ति बनाना उद्देश्य। पेटीएम पेमेंट बैंक में अनुचित तरीके से खोले गए हजारों खाते, आरबीआई ने ईडी को किया सूचित। केवाईसी में गड़बड़ी के कारण लगा पेटीएम बैंक पर प्रतिबंध, 31 करोड़ ई वॉलेट्स निष्क्रिय। सरकार ने कच्चे तेल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में किया इजाफा, नई दरें आज से लागू।